उत्तराखंड के हरिद्वार में बैरागी कैंप निर्मोही अखाड़े में किसान एकता संघ का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। हरिद्वार के कनखल में राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी बाली सिंह के अध्यक्षता में शिविर के दूसरे दिन किसानों को संबोधित करते हुए किसानों को उनके हकों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही किसानों का शोषण किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करने पर भी जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में बैरागी कैंप निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरेन प्रधान, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रमेश कसाना समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं देश के अलग अलग राज्यों से आए किसानों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसान, नौजवान, मजदूरों की, महिलाओं की समस्याओं का समाधान हो, उनका सम्मान हो। और जिस तरीके से कंगना रनावत के मुद्दे को मैं लेकर के आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उस हमारी किसान की बेटी, उस बहन को निलंबित करने का काम किया है, जब तक वो उसको से सम्मान वापिस नहीं करते हैं हम आंदोलन करेंगे। अभी तक तो हम सब लोग, सब किसान संगठन अपने अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों में जुटे हुए हैं। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, उस ज्ञापन के माध्यम से भी हम आह्वान करेंगे, या तो हमारी उस बेटी को, उस बहन को तत्काल प्रभाव से सम्मान वापस किया जाए, नहीं तो देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन वही होगा जो 13 महीने चला था। क्योंकि आज किसानों के सम्मान की बात है, किसान की बेटियों के सम्मान की बात है, महिला सम्मान की बात है, महिला सुरक्षा की बात है। उन्होंने जो आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप देश की नारी हो, आपको अपमानित नहीं किया गया है, आपको नारी ने नारी का जवाब देने का काम किया है। गुजरात के कला नगरी वडोदरा के ग्रेट लेंसमैन धर्मेश भावसार की रंग भरी तस्वीरों की प्रदर्शनी कनाडा में आयोजित की गई। वडोदरा के फोटो जर्नलिस्ट धर्मेश भावसार पिछले 25 सालों से कनाडा में स्थायी हुए हैं। वडोदरा में फोटो पत्रकारिता के बाद भी फोटोग्राफी के लिए उनका जुनून जारी रहा और अलग अलग चीजों को कैमरे में क्लिक करने का उनका जज्बा आज भी उतना ही जीवंत है। हाल ही में भारत आए धर्मेश भावसार ने होली के मौके पर ब्रजभूमि, पुष्कर और छोटा उदयपुर में सैर सपाटा करते हुए होली की बेहद खूबसूरत तस्वीरें ली थी, जिसकी प्रदर्शनी उन्होंने कनाडा के किचनर में आयोजित की है। कनाडा में पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, ऐसे में धर्मेश भावसार ने अपनी तस्वीरों के जरिए अलग अलग देश के लोगों को भारत और भारत की संस्कृति दिखाने की अनोखी कोशिश की। कलर्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के रंगों के टाइटल के अंतर्गत आयोजित इस प्रदर्शनी में ब्रज के बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली, पुष्कर का लोक मेला, छोटा उदयपुर का गेर नृत्य समेत की खूबसूरत तस्वीरों को शामिल किया गया। तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आज बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार शपथ ली। उनके बाद जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। विजयवाड़ा में केसरपल्ली आईटी पार्क में यह शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। टीडीपी के 20, पवन कल्याण समेत जनसेना के 3 और भाजपा के 1 मंत्री होंगे। एक पद खाली रखा गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। नायडू के कैबिनेट में उनके बेटे और टीडीपी महासचिव नारा लोकेश, टीडीपी के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष के अत्वन नायडू और जनसेना पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नांदेड़ला मनोहर शामिल हैं। टीडीपी के मंत्रियों में 17 नए चेहरे हैं, बाकी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ ब्रिज बनाकर संतोष कर रही गुजरात सरकार की आंखें खोल दे, ऐसा भ्रष्टाचार का नमूना वडोदरा के बाजवा में सामने आया है। गुजरात में जब भी विकास की बात होती है, लोगों से ये पूछा जाता है कि आखिरकार कैसा विकास हुआ है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे ब्रिज बने हैं। ब्रिज के नाम पर जो विकास हो रहा है उसकी पोल आए दिन खुलती रहती है। अहमदाबाद में ब्रिज बनने से पहले धराशायी हो गया, मोरबी में ब्रिज खुलने के कुछ ही वक्त में धराशायी हो गया, कई लोग मारे गए, और इसी तरीके के ब्रिज निर्माण पूरे गुजरात में हो रहे हैं। विकास के नाम पर हो रही धांधली फिर एक बार गुजरात के वडोदरा शहर में उजागर हुई है, जहां बाजवा ग्रामीण इलाका है और यहां सालों की मांग के बाद रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया। और ये रेलवे ओवरब्रिज खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उसका ऑनलाइन लोकार्पण भी किया। 2-3 महीने ही हुए हैं, मार्च महीने में मुख्यमंत्री ने इसे खोला और 6 करोड़ की लागत से बना हुआ ब्रिज कुछ ही महीनों में उसमें गड्ढे पड़ने लग गए हैं। गड्ढे ऐसे कि सड़कों के बीचों बीच। सरकार कह रही है कि हम बड़े बड़े ब्रिजेस की योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनकी मिलीभगत साफ साफ
खुलकर सामने आ रही है। 8 साल के इंतजार के बाद खोला गया ब्रिज बीचों बीच में से उधड़ गया, जो ब्रिज हल्की गुणवत्ता वाले पदार्थ का इस्तेमाल कर बनाया होने की गवाही दे रहा है, जिस पर जिला कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज अध्यक्ष राजू ठाकुर ने सवाल उठाए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रेस मीडिया जानो छो ए प्रमाणे के बाजवानो ब्रिज बनता बनता 8-1 वर्ष जेटलो समयगाळो निकली गयो ने समयगाळ्या निकली आया पछी पण ज्यारे ब्रिज बन्यो छे ए खूबज एनी जे गुणवत्ता छे तकलादी छे, एमा जे कॉन्ट्राक्टरो अने सरकारी अधिकारीओ मिलीभगत होवाना कारणे आ रोडनी जे गुणवत्ता चकासवामां नथी आवी, ए रोड केटला वर्ष सुधी चालशे के नहीं चाले एनी कोई गुणवत्ता चकासाया वगरना आ ब्रिजने ओपनिंग करवामां आवेलुं छे। 10-3 आ ब्रिजनुं ओपनिंग करवामां आव्युं त्यारे पण ऑनलाइन ओपनिंग करी दीधेलुं छे, जेथी करीने कोई नेताओ पण અધિકારીઓને સજા થવી જોઈએ અને એ સજા નહીં થાય એ લોકો છાવરશે, મોટા મોટા અધિકારીઓ બચી જશે અને નાના નાના માછલીઓને પકડીને આ લોકો સજા કરશે, એટલે આપના માધ્યમથી જણાવવા માંગુ છું કે સરકાર તંત્ર જાગે અને વહેલી તકે આનો નિર્ણય કરે। जैसे ही ये मामला सामने आया आनन फानन में ब्रिज पर पड़े गड्ढे को भरने की कवायद शुरू कर दी गई। वहीं जब इस मामले सुपरवाइजर तुषार जाधव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गड्ढा नहीं है, सिर्फ दरारें पड़ी हैं जिसे रिपेयर कर दिया गया है। ગાબડું નથી પડ્યું, આ જોઈન્ટ નો છેડો વધારે આવી ગયો હતો એટલે વાહનો ને જતા આવતા ઠોકર ના વાગે એટલે અમે ખોલીને છેડો નીચે લઈ તળિયા એ ખોલવું પડે ને તો જ જાય ને, નહીં તો વેલ્ડિંગ કરવા અમારે દબાવવો પડે તો જાય કેવી રીતે, ખોલીને અંદર મટીરિયલ કાઢીએ તો નીચે દબાય ને એ છે, વેલ્ડિંગ કર્યું ફરી કોન્ક્રીટ થઈ ગયું, ના ના એ તો ડેવલપ થાય ને તો જ થાય ને, આ વર્કિંગ થાય ને તો જ ખબર પડે, આ વર્કિંગ થયું વર્કિંગ થયું એની જવાબદારી છે એજન્સીની, કોઈ કોઈ જોખમ નથી આ સામાન્ય। ब्रिज के गड्ढे तो फौरन भर दिए गए हैं, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण की मांग सालों से हो रही थी, सालों से यहाँ जरूरत थी कि एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए। सालों की मांग के बाद ये रेलवे ओवरब्रिज बना, 3 बार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रद्द किया गया, अलग अलग नाम से उसी कॉन्ट्रैक्टर को आखिरकार सरकारी बाबू जो होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसका खामियाजा हो सकता है आने वाले दिनों में भी जनता को भुगतना पड़े। अभी तो सिर्फ गड्ढे पड़े हैं जिसे फौरन भर कर सब ठीक कर दिया गया है, लेकिन जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर, जनता के टैक्स के पैसे लेकर, जनता की जान के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं यही इस ब्रिज से सामने आ रहा है। अगर अभी गुजरात सरकार और गुजरात सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अगर अवेयर नहीं हुए तो बड़े हादसों का भोग गुजरात को बनता रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भरत राजपूत के साथ मयूरी का वीएनएम टीवी के लिए। गुजरात के वडोदरा के रणोली के यार्ड में ट्रक अनलोडिंग करते वक्त आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रणोली में यार्ड में जब ट्रक अनलोडिंग की जा रही थी तब शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी, देखते ही देखते पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई, दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की आगे की जाँच शुरू की है।